वेलकम गाइस। तो एक्चुअली मैं जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके सो मेरे पास एक वेरिएबल प्रॉब्लम, मेरे पास मतलब स्टैंडर्ड इनपुट से मुझे इनपुट ऐसे आता लाइक पहला लाइन का इनपुट 3 विच जो कि बता रहा है कि एरे में कितने एलिमेंट होंगे, और दूसरा लाइन में हम मेरा एरे था लाइक 5, 2 एंड 6। ठीक है। ओके एंड मुझे क्या करना था, मुझे इस एरे का सबसे मिनिमम फाइंड करना था। तो मेरे दिमाग में दो ऑप्शन सॉल्यूशंस आए हैं। पहला ऑप्शन किया है कि मैं एरे को सॉर्ट करूं, उसके बाद मीन फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करूं। दूसरा ऑप्शन था कि मैथ डॉट मीन फंक्शन को यूज़ करूं और आउटपुट ले लूं। तो मैंने जब पहले एलिमेंट में काम किया तो मैंने कुछ इस प्रकार से किया। सबसे पहले मैंने एक्स एक्स से मैंने सेकेंड जो एलिमेंट है उसको बाहर ले लिया, उसको स्प्लिट किया लाइक स्प्लिट। ओके आई एम सॉरी, न्यू लाइन स्प्लिट विथ न्यू लाइन। उसके बाद मैंने फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको आउट कर दिया, तो जेड में मेरा पास ये आ गया। तो जब और मैंने सोचा पहले सॉर्ट यूज कर लेता हूँ, सॉर्ट फंक्शन इस तरह यूज करूँगा तो सॉर्ट हो जाएगा। जेड डॉट सॉर्ट इज नॉट ए फंक्शन, बट व्हाई डिड हैपन, बिकॉज जेड टाइप ऑफ जेड इज स्ट्रिंग बट आर सॉर्ट अप्लाई टू दी एरे एलिमेंट। तो कोई नहीं, फिर से इसको जेड को फिर से इसको स्प्लिट कर लेते हैं और एरे में बदल देते हैं। स्प्लिट ओके आई थिंक मैंने कवर कर दिया। कोई नहीं, फिर से हम करते हैं, यहीं पे करते हैं स्प्लिट। तो या मेरे पास जेड आ गया, तो जेड मेरे पास ये है। ठीक है, अब चलो जेड डॉट सॉर्ट अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, सेकेंड वाला बहुत ईजी है, बट पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सॉर्ट काम क्यों नहीं किए। इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे सॉर्ट काम कर गया, बट फिर आप सोच रहे होंगे यार सॉर्ट तो काम कर रहा है, बट लेट मी गिव यू समथिंग दैट जिसने कि मेरा दिमाग ख़राब किया। ओके तो मैं एक्स में इस बार कुछ और रखूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स में रखूँगा लाइक 88, देन 88, देन इसके बाद रखता हूँ 87, फिर उसके बाद 110। ठीक है। ओके तो एक्स में मेरे पास ये है, तो लेट्स डू द सेम सेम हम लोग करते हैं। जस्ट स्क्रॉल अप, तो ये फंक्शन मैंने रन किया था। ठीक है, तो अब सिंपली जेड डॉट सॉर्ट करता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। वो देखो ये सॉर्ट तो हुआ नहीं, 110 87 से कैसे बड़ा हो सकता है भला। तो हेयर इज द इशू। तो फिर से मैं दिखाता हूँ एक और चीज़। मैं एक काम करता हूँ, एक नया एरे बनाता हूँ, इसमें ए डी सी एंड डी एंड ए डॉट सॉर्ट ए सी डी डी। तो इट वर्क। तो एरे जो सॉर्ट है, सिंपली बताऊँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स
और स्ट्रिंग से सॉर्ट करता है, स्ट्रिंग वाइज सॉर्ट करता है, न्यूमेरिकल में ये फेल हो जाता है, दैट इज़ अ इशू इन जावास्क्रिप्ट। बट मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, नॉट मेरे पास, जावास्क्रिप्ट सॉर्ट के पास। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सॉर्ट है वो सबसे पहले पहला एलिमेंट चेक किया स्ट्रिंग का, जैसे कि वन, उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो कि एट, तो वन जो है वो लेस दैन एट है, तो इसने बोला हाँ ये फोर एलिमेंट लेस है, तो इसलिए 110 को कम समझ लिया। सो दैट इज़ वाई हेयर इट इज़ द इशू। तो इसको टू फिक्स इस इशू, इसको फिक्स करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपली हम सॉर्ट में पैरामीटर पास करेंगे ए और बी एक फंक्शन और ए माइनस बी कर देंगे, तो ये जो है वो सही से काम करेगा। तो ये आखिर किया गया, ए और बी हमारा पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, फिर जब सेकेंड इटरेशन में ये ए हो जाएगा फिर बी इसी तरह ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि 87 को सबसे पहले बी से माइनस किया, अगर नेगेटिव रहा, अगर नेगेटिव रहा, नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि बी बड़ा है तो ये इसको चूज इसको चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा मतलब ए बड़ा है तो बी को ये शिफ्ट करेगा। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये जो है ये मेरा प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया, और सिंपली मैं फिर इसके बाद मैं जीरो एलिमेंट को प्रिंट करूँगा तो मुझे मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा, मेरा ये टारगेट था। तो दैट्स इट, यही था इस वीडियो में बताना चाहता कि सॉर्ट जो है वो यहाँ पे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है कि न्यूमेरिकली, सो दिस कैन बी ट्रिकी समटाइम। और हमारे पास एक और मेथड था जिससे कि हम सॉर्ट कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टिल एक्स है, लोग फिर जेड को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो मेरे पास जेड ये आ गया, तो मैं मैथ डॉट मेन फंक्शन यूज़ करके फिर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके मिनिमम निकाला जा सकता है। ये बहुत ही आसान था इस लफड़े से, तो बहुत ही आसान था या। So that's it for today guys, I hope you had enjoyed this video, so keep subscribing and keep following me for such more video like this, thanks. So welcome guys.